कल दो दिन के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। दो दिन तक पार्टी संगठन की बैठक को लेंगे। दुष्यंत गौतम कल 11 बजे बूथ प्रबंधन कमेटी के साथ बैठक करने जा रहे हैं। प्रदेश पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। दुष्यंत गौतम शाम 4 बजे उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम 24 और 25 फरवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे। दो दिन के दौरे पर गौतम लाभ के पदों को भरने को लेकर आखिरी मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद बीजेपी आलाकमान की मंजूरी मिलते ही जल्द ही लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी दुष्यंत गौतम बीजेपी संगठन के साथ कल बैठक करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और 24 फरवरी को अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में लंबे समय से दायित्वों का इंतजार कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शुक्रवार से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान दुष्यंत गौतम जहां बूथ प्रबंधन और शक्ति केंद्रों की बैठक भी लेंगे, वहीं दुष्यंत गौतम देर शाम शुक्रवार को कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे और इस दौरान दायित्वों पर सहमति जताई जा सकती है। यानी जल्द ही दायित्वों को लेकर जो इंतजार था कार्यकर्ताओं का, वो पूरा हो सकता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत जी, आपका उत्तराखंड दौरा होने जा रहा है, क्या खास रहने वाला है इस दौरे पर? वो लगातार जिस समय हम जाते हैं या वैसे भी संगठन काम करता रहता है, अनेकों अनेक योजना लगातार संगठन के ऊपर से कार्यक्रम बनते रहते हैं। उन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए जाना होता है। उनके एक दिन की वर्कशाला है जिसमें अनेकों अनेक योजनाओं को नीचे तक ले आना है। उस वर्कशाला में काम भागीदारी करनी है और किस प्रकार से संगठन मजबूत हो। आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हैं। क्योंकि हमारा काम राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल का काम यही होता है कि जनता को सरकार का किस प्रकार से ज़्यादा लाभ मिले, सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे, यही लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, उसके तहत ही हमारा जाना हो रहा है। निगमों को पद को लेकर बात हो रही है क्योंकि सरकार बनने के बाद से संगठन बन चुका है और लगातार निगमों के पद खाली हैं, तो क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि आपके दौरे के बाद हमें लिस्ट देखने को मिलेगी? उस पर भी चिंता की जाएगी। जो जो चीज़ें करनी है सरकार को करनी है और सरकार के सारे काम जल्दी से जल्दी किए जाने चाहिए, समय अनुकूल किए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बैठेंगे, बात करेंगे। बात की जाए जोशी मठ की, तो जोशी मठ में जो जिन घरों में दरारें आई थी, अब उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन वहां के लोग अभी नाखुश हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने सही कदम उठाया है। जो वहां का स्क्वायर मीटर के हिसाब से वैल्यू वहां की ऑलरेडी सरकार लेती देती है, जो भी आकलन किया हुआ है उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है, सभी लोग उससे संतुष्ट भी हैं। लेकिन ये होता है, स्वाभाविक होता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, लोगों को किसी प्रकार की पूर्ति तो संतुष्ट करने वाली नहीं होती है। लेकिन सरकार को अपने हिसाब से भी काम करना होता है, जनता के मन के हिसाब से भी काम करना होता है। जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये बीजेपी उत्तराखंड के प्रभारी और पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम। वीडियो जर्नलिस्ट संजय वन के साथ निशांत राय, न्यूज़ स्टेट दिल्ली।